बस उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फार्मेसी टेक्नीशियन सेकेंड ईयर क्लास, आज आपका जो लेक्चर है वो डेटाबेस के ऊपर है। आपने प्रीवियस लेक्चर को प्रिपेयर किया होगा। आज का लेक्चर जो है वो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि हमारा डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होता है, और कंप्यूटर में जिस जगह स्टोर हो रहा होता है उसे हम डेटाबेस कहते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा दो डिफरेंट चीज कर लें, डेटा क्या है और डेटाबेस क्या है। डेटा जो है वो आपको अच्छी तरह पता है कि डेटा जो है वो एक स्मॉल फैक्ट और फिगर्स हैं हमारे पास, जिसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। और जब डेटा कोई प्रोसेस होता है और वो हमारे लिए मीनिंगफुल बनता है, तो अब वो हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन बन जाता है। और डेटाबेसेस क्या है? डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ऐसे इंफॉर्मेशन जो आपस में रिलेटेड हो और ऑर्गेनाइज्ड हो, डेटाबेस उसे कहते हैं। डेटाबेस इज जस्ट यूज, जस्ट नहीं बल्कि मोर यूज जो है वो हर तरह की फील्ड में यूज हो रही है। जहाँ पर आपको कंप्यूटर, जहाँ पर आपको वेबसाइट, जहाँ पर कोई आपको सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे, ये उसकी कोई ना कोई डेटाबेस जरूर होगी जहाँ पर उनका रिकॉर्ड मौजूद होगा। डेटाबेसेस आर यूज जस्ट अबाउट एवरीवेयर, इंक्लूडिंग बैंक्स, रिटेल, वेबसाइट्स एंड वेयर हाउसेस। बैंक्स यूज डेटाबेसेस टू कीप ट्रैक ऑफ कस्टमर अकाउंट्स, बैलेंसेस एंड डिपॉजिट। रिटेल स्टोर कैन डेटाबेस टू स्टोर प्राइसेस, कस्टमर्स इंफॉर्मेशन, सेल इंफॉर्मेशन एंड क्वान्टिटी ऑन हैंड। डेटाबेसेस में हमारे पास, अगर बैंक से रिलेटेड अगर बात करें, तो तमाम कस्टमर्स की बैंक डिटेल्स वगैरह, उनके अकाउंट डिटेल्स वगैरह, और सारे का सारा फाइनेंशियल, उनका जो बैलेंस है उसका रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव होता है बैंक। और अगर हम बात करते हैं रिटेल स्टोर्स की तरफ, तो उसमें सारे के सारे हमारे पास स्टोर्स में जो आइटम्स हैं उनकी प्राइसेस, कितना स्टॉक हमारे पास रह गया, कितना स्टॉक निकल गया, वो सारे का सारा डेटाबेसेस में हमारे पास स्टोर होता है, और हम जब चाहें उसे देख सकते हैं, और उसके बाद उसमें आइटम्स चेंज भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्रैड ऑपरेशन यूज होता है, क्रिएट, अपडेट और डिलीट के बारे में। डेटाबेसेस, आर डेटाबेस इज अ प्लेस टू स्टोर इंफॉर्मेशन। जिस तरह की इधर बताया गया कि डेटाबेसेस सिर्फ सिंपली किस लिए यूज की जाती है, स्टोर की जाती है इसमें इंफॉर्मेशन। द इंफॉर्मेशन कुड बी सेल्स फिगर्स एंड इन्वेंटरी ऑफ कंप्यूटर यू ओन, अ लिस्ट ऑफ कस्टमर, की कस्टमर्स, टाइम शीट्स इंफॉर्मेशन। द पॉसिबिलिटीज आर अनलेस। डेटाबेसेस जो है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन सेव हो सकती है, सेल्स फिगर्स में हो सकती है, इन्वेंट्री मेंटेन करनी हो तो तब हम कर सकते हैं, अपने की कस्टमर्स के बारे में अगर हमने लिस्ट रिकॉर्ड सेव रखना है तो तब कर सकते हैं, कोई टाइम शीट इंफॉर्मेशन सेव करनी हो तो तब कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं ना ख़त्म होने वाली। बाई हैविंग द डेटाबेस ऑन योर साइट यू कैन ईजिली शेयर इंफॉर्मेशन विद पीपल हु नीड एक्सेस टू इट। आपने अगर अपने किसी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया, और उसके बाद आप द एट द एंड आप कहते हैं कि मुझे अपने प्रॉपर हर सेमेस्टर का
रिकॉर्ड चाहिए, अपना रिजल्ट चाहिए, तो हमारी वेबसाइट या हमारे जो ऑफिसेज में सॉफ्टवेयर यूज़ किए जा रहे हैं उसमें आपके पूरे कैरियर का आपका रिकॉर्ड सेव होता है उनकी डेटाबेसेस में। और जस्ट वो क्या करते हैं, वहाँ से रिव्यू करते हैं आपका रोल नंबर, आपका सेशन, और उसके बाद आपको वो प्रिंट आउट निकाल कर दे देते हैं। द बेस्ट वे टू थिंक ऑफ डेटाबेस इज एज अ टेबल। जिस तरह टेबल है इसी तरह हम इसको सोच सकते हैं, कॉलम और रोज के ऊपर ये बेस होता है। द कॉलम इन द टेबल आर कॉल्ड फील्ड्स। जो कॉलम होते हैं टेबल में उनको हम फील्ड्स कहते हैं। एंड देयर आर मैनी फील्ड्स यू कैन क्रिएट, टेक्स्ट, न्यूमेरिक, करेंसी, नेम्स, डेट, और टू नेम अ फ्यू। इसके अंदर बहुत सारे फील्ड्स हम अपनी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें टेक्स्ट भी आ सकता है डाटा, न्यूमेरिक डाटा भी आ सकता है, कोई करेंसी का डाटा ऐड करना हो तो तब भी आ सकता है, सिंपल अगर नेम लिखना हो तो तब भी आ सकता है, डेट कोई ऐड करनी हो तब भी आ सकता है, और थोड़े से भी नेम ऐड करने हो तो तब भी आ सकता है। और जो रो कंसीडर की जाती है टेबल में उसे हम रिकॉर्ड्स कहते हैं। कॉलम में फील्ड सेव होती हैं और रिकॉर्ड्स जो हैं वो रोज में सेव होते हैं। द रिकॉर्ड्स कंटेन ऑल द डेटाबेस इंफॉर्मेशन। रिकॉर्ड्स जो हैं वो हमें बताती हैं कि क्या इंफॉर्मेशन सेव है। ये आपको पिक्चर में नज़र आ रही होंगी, नेम, ऑफिस एंड फोन्स, ये आपकी क्या हैं, कॉलम्स हैं, और कॉलम्स में या कॉलम एज ए फील्ड हैं ये आपके, और जो कॉलम्स के अंदर रोज बनी हुई हैं ये आपके रिकॉर्ड्स हैं, ईच रिकॉर्ड हैं उसके अंदर सेव है। ऐसा तो नहीं है कि एक ही क्लास में रोल नंबर वन हो और उसी क्लास में कोई रोल नंबर वन हो, ऐसा नहीं होता, वो डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। वो आगे मतलब थ्री फॉर्म्स होती हैं डेटाबेसेस की, फर्स्ट NF, सेकंड NF एंड थर्ड NF। उसमें फिर सारी चीज़ों को देखा जाता है, डाटा रिडंडेंसी, डाटा डुप्लीकेशन, और फिर उसके बाद सारी चीज़ों को मेंटेन किया जाता है ताकि कोई डुप्लीकेशन या कोई एरर वगैरह हमारे डेटाबेसेस में ना हो। फिर आगे बात करते हैं, डेटाबेस इज मच मोर पावरफुल देन अ सिंपल टेबल। ये बहुत पावरफुल है एज कम्पेयर टू सिंपल टेबल में, जिस तरह हम रिकॉर्ड सेव करते हैं। विद द टेबल यू कैन ओनली लुक एट द इंफॉर्मेशन इन द वन वे दैट द टेबल इज डिजाइन, दैट द टेबल इज डिजाइन। इसमें वही बात कर रहा है कि हमने जो टेबल बनाया हुआ हमें सिर्फ सिंपली साफ पता चल जाता है कि अगर कोई नेम है उसके अगेंस्ट कोई ना कोई आईडी और उसका कोई ना कोई एड्रेस, फोन नंबर हमें ईच रो में नज़र आ जाता है। डेटाबेस अलाउ यू टू क्रिएट मैनी व्यूज ऑफ योर इंफॉर्मेशन। ईच व्यू अलाउ यू टू सेलेक्ट द फील्ड डिस्प्ले इन द व्यू, पिक द ऑर्डर इन विच द फील्ड अपीयर, सेट अप अ फिल्टर टू कंट्रोल विच रिकॉर्ड अपीयर इन द व्यू, सॉर्ट आउट sort the order in which the record appear, total up fields in the view, और उसके बाद view fields from more than one database। उसमें वही बता रहा है कि हम अपने information जो हमारे पास records हमारे पास जो होते हैं table form में, उसे हम बहुत सारे views में कर सकते हैं। हमने अगर किसी field को select करना तो तब भी हम उसे individually उसको देख सकते हैं। pick the order in which द फील अपीयर, हम ऑर्डर भी डिसाइड करते हैं कि ए टू जीरो, वन टू टेन, और मतलब जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं उसको किस तरह आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, किस ऑर्डर में रख सकते हैं। फिर फिल्टर आउट कर सकते हैं कि कौन सा रिकॉर्ड हमें किस तरह, अगर सपोज भी अगर मेरे पास मुल्तान की है, खानेवाल की है, इस्लामाबाद की है, तो मैं सिटी वाइज भी उनको देख सकता हूँ, फिल्टर आउट कर सकता हूँ कि सिर्फ मुझे जो प्रॉपरली है वही चीज़ शो हो या उसी सिटी के डेटाबेस में डाटा शो हो। उसके बाद आ जाते हैं, कहते हैं अ डाटा बेस ऑल्सो अलाउ यू टू कंट्रोल हाउ व्यूज आर प्रिंटेड। और डेटाबेस हमें बताती है कि आपने कौन सी चीज़ प्रिंट करनी है। यू कैन क्रिएट एंड प्रिंट रिपोर्ट यूजिंग अ नंबर ऑफ प्रोफेशनल डिज़ाइन टेम्पलेट्स। और हमारे पास बहुत सारे जो है सॉफ्टवेयर में खुद से टेम्पलेट जो है वो दिए गए होते हैं कि आपने किस टेम्पलेट के अंदर कौन से रिकॉर्ड्स का अपना पूरे के पूरी रिपोर्ट जनरेट करके आपने प्रिंट करके देनी है। फिर आगे आ जाते हैं, व्हेन यू क्रिएट योर ओन डेटाबेस यू डिटरमाइन हाउ द इंफॉर्मेशन अपीयर। आप
ने अगर डेटाबेस को डिज़ाइन किया तो आप ही उसको अपने तरीके से इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कर सकते हैं, व्हाट नेम्स ऑफ द फील्ड्स आर और कौन कौन से नेम आप उसमें ऐड करना चाहते हैं। अगर सपोज भी अगर कोई स्टूडेंट है तो उसकी फील्ड्स में वो क्या क्या होंगी, नेम होगा उसके, फादर नेम होगा, एड्रेस होगा, रोल नंबर होगा उसका, परमानेंट एड्रेस होगा, और उसके बाद उसका पोस्टल एड्रेस होगा, और उसके बाद क्या हो सकता है, मतलब इसी तरह स्टूडेंट से उसका रोल नंबर हो सकता है, बहुत सारे इस तरह रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, उसकी फील्ड बन सकती हैं, व्हाट व्यूज टू लुक लाइक, और उस तरह उसके कौन कौन से व्यूज हैं वो हम ला सकते हैं, हु हैज़ एक्सेस टू द डेटाबेस, और वो भी हम डिसाइड करते हैं कि कौन डेटाबेस को से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अगर कोई भी आप वेबसाइट या एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो सिर्फ आपको फ्रंट एंड यूज़ हो रहा होता है, जो ये आप यूज़र एक्सपीरियंस ले रहे होते हैं, लेकिन अब कभी आपको ये आपने देखा है कि आपके पास ये एक्सेस भी हो कि आप डेटाबेस भी देख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एडमिन ही देख सकते हैं, एडमिन ही उसमें चेंजेस कर सकते हैं, एडमिन ही उसके अंदर एडिशन कर सकता है, डिलीशन कर सकता है, और कोई भी अगर एरर वगैरह हो तो वो एडमिन साइड पे ही आता है, आपको शो नहीं होता। इफ़ यू ऑलरेडी हैव इंफॉर्मेशन दैट यू वुड लाइक इन योर डाटा बेस, यू कैन इम्पोर्ट दैट इंफॉर्मेशन इन टू द डाटा बेस। और अगर आपने कोई चीज़ इम्पोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है, तो डाटा बेसिस में ये भी एक कैपेबिलिटी है, एक उसमें कह लें कि इन्हांसमेंट नहीं कह लें कि उनमें कैपेबिलिटी है कि आप उसमें कोई भी डाटा कहीं से भी उठा के, मतलब आपके पास अगर सेम डाटाबेस, मतलब स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का डाटाबेस आपके पास कहीं पड़ा हुआ था और आपने पूरे का पूरा ऐड करना है अपने डाटाबेस में, तो वो आप इजीली डाटाबेस ऐड कर सकते हैं अपने एग्जिस्टेंस डाटाबेस में। यू कैन इम्पोर्ट द डाटाबेस इनटू द डाटाबेस, यू कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर डाटाबेस फॉर यूज इन अनदर प्रोग्राम सच एज एक्सेल। एक्सेल के अंदर अगर हमने अपना डेटाबेस का रिकॉर्ड अगर रखना है तो हम उसमें शो कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा डेटाबेस का थोड़ा सा ओवरव्यू था, ये पिक्चर्स थोड़ी सी ब्लर हैं, इसमें मैंने आपको बता दिया कि किस तरह डेटाबेस में डाटा स्टोर होता है। फिर आगे आ जाते हैं प्लानिंग द डिज़ाइन ऑफ योर डेटाबेस। अब अगर हमने अपनी डेटाबेस बनानी है तो उससे पहले हमें उसे प्लान करना होगा। व्हेन डिजाइनिंग योर डेटाबेस यू नीड टू बी कंसीडर कंप्यूटर, हमारे पास कंप्यूटर होना लाजमी है। व्हाट फील्ड शुड बी इन द डेटाबेस, हमारे पास कौन कौन सी फील्ड होंगी, किसके लिए हम बना रहे हैं, ये हमें पहले से पता होना चाहिए। ये नहीं कि हम बना रहे हो तो उसमें इन अ रनिंग प्रोसेस हम उसमें चेंजेस कर रहे हो, नहीं, पहले आपको रेफर करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ के लिए, किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किस उसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किस ऑफिसेज के लिए या किस सॉफ्टवेयर के लिए आप अपने डेटाबेस बना रहे हैं, वो आपको पता होना चाहिए। दिस डिटरमाइंस व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन अ डेटाबेस, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसमें किस किस्म की इंफॉर्मेशन स्टोर होनी चाहिए। ये ना हो कि फील्ड आपने दी हो नंबर्स की और वहाँ पर आप एड्रेस सेव कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। व्हाट व्यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन आर नीडेड, और कौन कौन से व्यूज़ हैं वो नीडेड होंगे हमें, वो भी हमें पता होना चाहिए। दिस डिटरमाइन हाउ यूजर कैन सी द इंफॉर्मेशन एंड व्हाट अपीयर इन प्रिंट रिपोर्ट, और यूज़र को क्या पर्सपेक्टिव जाना चाहिए जब हमारा डाटा बेसिस से जो रिकॉर्ड जाएगा वो यूज़र को कैसे नज़र आएगा, वो हमें पता होना चाहिए, और अपीयर कैसे होगा जब हमने कोई भी रिपोर्ट जनरेट करनी होगी, प्रिंट करनी होगी। और उसके बाद लास्ट पॉइंट में आता है व्हाट आर द परमिशन लेवल ऑफ फॉर द डाटा बेस, who should have access to this information, who can add information, who can edit it। तो वो जाहिर सी बात है, मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास रोल्स होंगे, एक होता है एडमिन होता है और एक यूज़र एक्सपीरियंस होता है। तो एडमिन होता है वो ही सारा कुछ डील करता है, क्रिएट करता है, अपडेट करता है, डिलीट करता है, चेंज करता है, मॉडिफिकेशन करता है डेटा बेसिस में। यू कैन फुली कस्टमाइज ऑल दीज एलिमेंट इन योर वेब ऑफिस डाटा बेस, और हम अपने से खुद से भी कोई वेबसाइट बना कर उसकी डेटाबेस बना कर उसे खुद से मेंटेन कर सकते हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, इसको प्रिपेयर कीजिए और इसको देखिए और अपना ख्याल रखिए। स्टे एट होम, हम आने लगा।